आज देश में मानसून की एंट्री हो गई। इस बार मानसून की एंट्री केरल में समय से दो दिन पहले हुई। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में समय में एक सप्ताह पहले मानसून की एंट्री हुई। इसके कारण राजस्थान में भी मानसून समय से पहले एंट्री कर सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि मानसून राजस्थान में कब तक आएगा इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की जा सकती। सामान्यतः केरल में मानसून आने के 25 दिन बाद राजस्थान में एंट्री होती है। संभावना है कि राजस्थान में जून के आखिरी सप्ताह में मानसून की एंट्री हो सकती है। राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस बार राज्य में मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है। कई स्थानों पर सामान्य और कई जगह सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। पिछले दिनों केंद्रीय मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट जारी किया उसमें केरल में मानसून की एंट्री की घोषणा 31 मई को की थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। राजस्थान की बात करें तो यहां पूरे प्रदेश में मानसून सामान्य से ऊपर बरसने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, फलोदी और पूर्वी राजस्थान के अलवर, झुंझुनू के एरिया में बारिश थोड़ा ज्यादा होने का अनुमान भी है।